कांग्रेस का 135वां स्थापना दिवस कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज विधायक दत्ती गांव के कार्यालय पर मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। देश के विकास में कांग्रेस की भूमिका बताकर देश के लिए बलिदान देने वाले कांग्रेस नेताओं को याद किया और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने माफिया राज खत्म करने का संकल्प लिया है, उसी संकल्प के लिए हमने भी आज संकल्प लिया है कि कमलनाथ जी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीथमपुर के अंदर भी जो माफिया राज है उसको खत्म करेंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार के अवैध धंधे हों, अवैध कब्जेबाज हों, सहकारिता माफिया हों, नगर पालिका में भ्रष्टाचार के जरिए जो माफिया राज चल रहा, वो उस सारे माफिया राज को हम खत्म करेंगे। आज हमने संकल्प लिया है और एक और सौगंध लिए कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने अमित शाह ने देश में जो आग लगाने की कोशिश की है, देश को बांटने की कोशिश की है, उसके लिए भी आज हम संकल्पबद्ध हुए कि हम इस देश में और पीथमपुर शहर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा कायम बनाए रखने में सब एकजुट रहेंगे और उसके लिए सभी तमाम प्रयास किए जाएंगे। और जिस प्रकार अभी बताया कमलनाथ जी किस प्रकार खाली खजाने के बीच आए थे और मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सारे आगे के भी निरंतर कार्य जारी रहेंगे। और कांग्रेस वापस पुनः संकल्प ले रही है मीडिया के माध्यम से भी कि हम इस पीथमपुर शहर में पूरी तरह माफिया राज को खत्म कर देंगे। जैसे इंदौर और धार से जैसे शहरों में कई भूमाफियों पर जो है कार्रवाई हुई है प्रशासन के द्वारा, क्या पीथमपुर की जनता भी माने कि जल्द यहाँ कार्रवाई होगी या ऐसी कोई लिस्ट आपने प्रशासन को दी है? मेरे द्वारा भी लिस्ट सौंप दी गई है, प्रशासन ने भी जो यहाँ पर जानकारी जुटाई है लगभग उनकी और हमारी जानकारियाँ मिलती जुलती है। और पीथमपुर के अंदर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह 15 सालों में इन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे करे, किस प्रकार से भूमि आवंटन करवाए, किस प्रकार से अपने लोगों को अवैध धंधों में स्थापित करा, वो पूरा साम्राज्य खत्म किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है, तैयारियां चल रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आप खुद देखेंगे पीथमपुर में किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे क्षेत्र को चौंका देगी कि उस कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।